हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अंशुज एजुकेशन कॉर्नर। अगर आपने भी 2024 में नीट एग्ज़ाम दिया था और इसलिए दिया था ताकि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के थ्रू अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें, तो आपको वेट होगा कि रजिस्ट्रेशन कब शुरू होंगे, क्योंकि जो नीट है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गए एक महीना होने वाला है। 4 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, लेकिन अभी तक भी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। तो गाइज़, आपको पता ही होगा कि नीट स्कैम की वजह से ये चीज़ काफ़ी डिले हो रही है। नीट का जो इशू था उसकी वजह से रीनीट भी हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का। तो जिन स्टूडेंट्स का रीनीट हुआ है उनका रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो आप ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ तक है आपका 15 जुलाई तक आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। हो सकता है उससे पहले भी आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नीट 2024 दिया था बीएससी नर्सिंग करने के लिए आर्म फोर मेडिकल सर्विसेज के कॉलेजेस में, वो अपनी सीबीटी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। कितना स्कोर होना चाहिए नीट के एमएनएस के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ सीबीटी में क्या एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस आपका रहता है, और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में और आप भी एमएनएस एस्पिरेंट्स हैं। तो गाइज, यहाँ पर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के रजिस्ट्रेशन की। तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। रीज़न जो मैंने आपको बताया है, नीट स्कैम की वजह से जो इशू हुआ था, रीनीट भी हुआ था कुछ बच्चों का, तो जिन बच्चों का रीनीट हुआ है उनके रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाने चाहिए। तो जैसे ही कोई अपडेट आता है ऑफिशियली, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अंशुज एजुकेशन कॉर्नर पर मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट टाइमली मिलती रहे, एमएनएस के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हो या फिर सीबीटी के रिगार्डिंग हो, शॉर्टलिस्ट के रिगार्डिंग हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिल जाएगी।